दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज अपन आरपीएमसी में वर्ष 2021-22 में एडमिशन के बारे में बात करेंगे। तो आरपीएमसी ने फॉर्म 14 अप्रैल को निकाल दिए हैं और ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे कल, मतलब बोले तो 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होकर के 8 मई 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और अपन इसमें बात करेंगे कौन कौन के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले अपना पॉइंट है कि उस स्टूडेंट के पास में क्या होना चाहिए। पहले तो वो ये है कि 12th में पास आउट होना चाहिए। इसमें बता रहता है कि 2020 से 2021 वाला पास आउट विद्यार्थी ये फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने आता है कि कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इसमें मैं बता दूँ आप तो कि उस स्टूडेंट के बाद पास में 12th में क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, साइंस मैथ एंड बायोलॉजी वाला दोनों अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला एंड एग्रीकल्चर वाला इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैं आपको तो बता दूँ इसमें डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये चार पोस्ट बेस्ट है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जब भी वैकेंसी आएगी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जबकि जो भी इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे इनकी वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। अभी हाल ही में 2020 के बारे में बात करें तो ECG, DMLT और रेडियोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है और आशा करते हैं कि इनकी वैकेंसियाँ जल्दी ही 2022-23 में आने की पूरी संभावना है। और साथ में ओटे की भी 250 पदों की वैकेंसी आने की संभावना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए, इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।